नमस्कार भाइयों, झारखंड राज्य के झारखंड सरकार ने सन 2016 ईस्वी में 7 अप्रैल को राज्य में एक स्थानीय नीति को लागू किया था। इस नीति के दौरान इस नीति के अनुसार अनुसूचित जाति वाले 13 जिलों में स्थानीय पदों को आरक्षित किया गया था। इस आरक्षित पदों में स्थानीय लोगों को ही सिर्फ भागीदारी की जा सकती थी। राज्य के मंत्री परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया था सन 2016 में कि जितनी भी नियुक्ति होगी स्थानीय जिलों में तो 13 जिलों में जो पद है वो आरक्षण होंगे उस जिलों के लोगों के लिए। दूसरा जिले का कोई भी लोग उस आरक्षित पद के लिए अप्लाई या भागीदारी नहीं होगा। इस पद के खिलाफ में सोनी कुमारी व अन्य ने राज्य के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इसके खिलाफ में कि ये जो स्थानीय नीति लागू किया गया जिसमें पद को आरक्षित किया गया इसको गलत ठहराते हुए सोनी कुमारी और अन्य ने इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुनिश्चित करते हुए इस फैसले को सुरक्षित रखा था और राज्य सरकार ने इस फैसले को सही बताते हुए कि राज्य की अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के लिए जो स्थानीय नीति है इसको सही ठहराया था। बट आज हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला, अहम फैसला सुनाया। आज हाई कोर्ट ने इस स्थानीय नीति को कम्प्लीटली गलत बताते हुए इसको निरस्त कर दिया, इसको रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही इतना ही नहीं, सिर्फ नीति को ही नहीं रद्द किया, इसके अलावा कुल 18,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उस कम्प्लीट प्रक्रिया को भी राज्य सरकार के जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट के द्वारा 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। आप बताइए कि आपको हाई कोर्ट का ये फैसला आपके लिए क्या है, आप अपना राय जरूर दें। झारखंड सरकार के लिए क्या ये अहम फैसला सही साबित है या ये फैसला गलत लिया गया? हाई कोर्ट के द्वारा इतना बड़ा फैसला लिया गया, सोनी कुमारी व अन्य जो भी इस पे याचिका दायर किए थे उनका जीत हुआ फाइनली और 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति पद को जो भी है खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे राज्य सरकार के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये नियुक्ति सही है, क्या ये नियुक्ति स्थानीय नियुक्ति को जो रद्द किया गया है सही है, क्या 18,000 नियुक्ति जो शिक्षकों का हुई थी स्थानीय लोगों के लिए जो आरक्षण था इस आरक्षण को हटा करके हाई कोर्ट ने एक बड़ा बड़ा एक अहम भूमिका निभाया है, एक अच्छा फैसला किया है राज्य के लिए और समस्त जिलों वासियों के लिए कि कोई भी किसी जिले में भी नियुक्ति कर सकता है, दे सकता है। इस आरक्षण को हटा दिया गया कम्प्लीटली। क्या आप बताइए, आप अपना राय दीजिए कि क्या ये जो हाई कोर्ट का फैसला लिया गया ये कितना सही है और कितना गलत है, अपना राय जरूर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।